हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले उन सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है अपने पीसी में। तो गाइस, टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे टॉपिक है वो है गाइस, आप अपने पीसी से परमानेंट ईआर को कैसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने पीसी से परमानेंट को डिलीट कर सकते हैं गाइस। ये परमानेंट ईआर को वीडियो इसी लेके आऊँ क्योंकि अक्सर दोस्त कहते हैं हम अपने डेस्कटॉप से पीसी के मैं डेस्कटॉप से जाके परमानेंट ईआर को डिलीट कर देते हैं, ऐप को डिलीट करते हैं, वो परमानेंट ईआर डिलीट हो जाता है। तो कैसे ऐसा नहीं होता, परमानेंटली आपको डिलीट करने की छोटा सा मैटर है जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपने इसका परमानेंटली कैसे डिलीट करना है, तो कैसे, इसलिए आपको वीडियो का कंप्लीट बात करना है, थोड़ा सा स्किप नहीं करना ताकि आप वीडियो का कंप्लीट मैटर समझ आ सके। तो कैसे वीडियो शूट करते हैं। तो कैसे अक्सर परमानेंटली आपको डिलीट करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, नेट यूज़ करे होते हैं, आपने कोई फाइल्ट मीन कहते हैं, आपने कोई फाइल वगैरह इधर लगाने या कोई भी ऐप्स वगैरह डाउनलोड करना होता है, तो कैसे आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसके रिलेटेड इसके अंदर कोई और डाउनलोड हो जाता है। बस आपको डिलीट करते हैं, डेस्कटॉप से जाकर डिलीट करते हैं, वो आपके लिए परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो कैसे ऐसा नहीं होता है, तो आप बताते हो अपने परमानेंटली आपको डिलीट कहाँ से करना है। तो सिंपली कैसे अपने सर्च बार में करना है, तो उधर हम टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल। जैसे आप सी टाइप करेंगे तो फ्रंट पर आ जाएंगे। तो भाई ये देखिए आपके सामने आ चुका होगा। तो क्योंकि जैसे कि ओपन किया आपके सामने इंस्टा इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो कैसे ये मैंने ला जाकर हम कैसे आपके सामने ये इंटरफेस शो हो रहा है। तो कैसे आगे ओपन करेंगे तो सिंपली कैसे, तो यहाँ आपके पास कैटेगरी पर ऑप्शन होगा, तो आप ये ऑप्शन आपके सामने शो हो गए। तो कैसे आपको ये ऑप्शन देखने मिल सकते हैं, सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, यूज़र अकाउंट है, तो नेटवर्क इंटरनेट हार्डवेयर एंड साउंड पर आपको ऑप्शन देखने मिल सकते हैं। तो कैसे अदर टॉपिक है इसका आपको अगेन बताएंगे। तो कैसे आपने डिलीट करने का जो ऑप्शन का यूज करना है वो प्रोग्राम के फंक्शन में क्लिक करेंगे। उसमें कह रही है कि प्रोग्राम में फ्यूचर का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर लेना। जैसा वो उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने हिस्सा का इंटरफेस शो होगा। तो वैसे ये देखें इधर जो मेरे पीसी में इस टाइम एप्लीकेशन अवेलेबल है वो आपको इधर शो हो रही होगी, मीन्स के जो अवेलेबल एप्लीकेशन वो आपके मेरे पीसी में इस टाइम इधर है। तो आप यहाँ से आपके जो आपके पीसी में जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पीसी में जो अवेलेबल ऑप्शन एप्लीकेशन होगी आपको इधर शो होगी। तो सिंपली आप ऐसे इसको डिलीट परमानेंटली डिलीट कहाँ से करना है, जैसे कि इंडेक्स से हम डिलीट करना चाहते हो, कैसे आपने माउस का राइट वाले बटन को क्लिक करना है, उसके बाद गाइस आपने यूनिस्टार चेंज कर देना है। उसके बाद गाइस आपने यूनिस्टार और चेंज एंड एप्लीकेशन गाइस आपसे परमिशन मांग रहा है, अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आपने यस कर देना है। तो गाइस मैं इसको डिलीट नहीं करना था, मैंने सब बताना था, आपने डिलीट करना यस कर दे तो आपका ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो बस ये थी आज हमारी छोटी वीडियो, आपने परमानेंटली आपको कहाँ से डिलीट करना है। तो बस मेरे के समझा के हुक्म से डेस्कटॉप से जाकर परमानेंटली डिलीट नहीं होता, डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल पैनल में जाकर वहाँ से आप इसको परमानेंटली आपको डिलीट कर सकते हैं। तो बस ये थी आज हमारी छोटी सी वीडियो, मेरे को आपको समझा के हो गया। अगर नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, या इसके लिए टिको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता दें, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो बस उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक ऑफ।